इटावा जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना भरथना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। भरथना पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी की 9 मोटरसाइकिल व अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक सूचना पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बाहरपुरा पुल पर पहुंचकर सघनता से चेकिंग शुरू की। तभी कुछ देर बाद 3 मोटरसाइकिलें आती दिखी। पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर 3 अभियुक्तों को उमरसेड़ा जाने वाले सड़क पर आश्रम के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वे विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में बेचते हैं। पकड़े गए बदमाश इटावा के भरथना और पड़ोसी जनपद औरैया व कन्नौज के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर, 1 मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट, 2 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 2 अवैध तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 1 अवैध चाकू बरामद किया है। देखिए रात्रि में भरथना पुलिस ये जो बाहरपुरा नहर है यहाँ पे चेकिंग कर रही थी और उसी समय जो उमरसेड़ा की तरफ से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। तीनों को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल से वापस लौट करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेर करके जब तीनों को पकड़ा तो उनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 5 राउंड और 1 चाकू उनके पास से मिला। तो तीनों को थाने लाया गया और थाने पर लाने के बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई कि कहाँ से आ रहे थे वो और कौन है, तो उन्होंने अपने आप को मोटरसाइकिल चोर होना बताया। जो उनके पास में तीनों के पास जो तीन मोटरसाइकिलें थी वो भी उनके पास में चोरी की थी। और जब उसके बाद उन्होंने बताया कि जो उमरसेड़ा पुल है उसके पास में जो खंडर है वहाँ पे भी हमने कुछ और मोटरसाइकिलें भी चोरी करके छुपाई हुई हैं। उसी समय उनकी निशानदेही पर जाकर के पुलिस ने खंडर पे छापा मारा और वहाँ से 6 मोटरसाइकिल और भी वहाँ से बरामद की। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले भी एक मोटरसाइकिल फ्रेंड्स कॉलोनी से भी चुराई थी। तो जगह जगह से उन्होंने इस तरीके से मोटरसाइकिलें चुराई थी और तीनों अभियुक्तों के नाम चंदन, संजीव और दूरबीन, जिसमें से तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। दूरबीन जो है हमारा बाहरपुरा के पास का भरथना के रहने वाला है। एक अभियुक्त उसमें जो चंदन है वो कन्नौज का रहने वाला है, जो मिस्त्री का भी काम करता था। और जो संजीव नाम का जो अभियुक्त है वो अरवा कटरा औरैया का रहने वाला है। इस तरीके से तीनों अलग अलग जगह के हैं। इसमें जो 2 लोग हैं ये दूरबीन और संजीव, ये मोटरसाइकिल चोरी करके और चंदन इसकी एक मैकेनिक की दुकान है जो है वहाँ पर जाकर के इसको बेचते थे और वो फिर आगे इसके जो कल पुर्जे हैं उनको अलग करके और आगे बेचता था। थाने पर ला करके सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।